मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बंगले पर महिला मित्र सोनिया भारद्वाज की खुदकुशी मामले में उमंग सिंघार के खिलाफ शाहपुरा थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए बयान में सोनिया के बेटे आर्यन और नौकरों ने माना है कि दोनों के बीच नोकझोंक होती थी। पुलिस के मुताबिक महिला के पर्स से मिले सुसाइड नोट, नौकरों और सोनिया के बेटे आर्यन के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। घटना स्थल से मिले सुसाइड नोट में मृतक ने किसी को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया है। तो पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है शाहपुरा थाने में। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बीते दिन महिला ने पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के निजी बंगले में आत्महत्या की थी। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासु, आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से अटकलें चल रही थी कि पूर्व मंत्री से पूछताछ की जाएगी, अब उसके बीच एक नया मामला ये सामने आ रहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है थाने में, वो भी आत्महत्या के लिए उकसाने का, अर्थात 306 का। विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए उमंग सिंघार कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश शासन में पूर्व वन मंत्री भी रह चुके हैं जब कमलनाथ की सरकार थी। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भोपाल का जो शाहपुरा थाना है वहां पर धारा 306 के तहत आत्महत्या का के लिए उकसाने का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि परसों रात में जो एक सोनली भारद्वाज नाम की एक महिला थी, उन्होंने उमंग सिंघार के बंगले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान उमंग सिंघार भोपाल में मौजूद नहीं थे और जब जो घर के हाउसकीपर्स थे उन्होंने देखा कि आत्महत्या की गई है, उसके बाद शाहपुरा थाना पुलिस को जो सूचना दी गई, पुलिस आई और फिर तफ्तीश से जांच शुरू की गई, जिसके बाद कल जो मृत महिला है उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में जो महिला के बेटे हैं और माँ हैं वो शामिल हुई, साथ में उमंग सिंघार भी शामिल हुए थे और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई थी। खुद गृह मंत्री ने मामले में संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था कि जल्द कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसके तहत कल पूरे दिन पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करती रही। और कल अगर हम बात करें तो देर शाम उमंग सिंघार के खिलाफ शाहपुरा थाना क्षेत्र में धारा 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस लगातार उमंग सिंघार से भी पूछताछ करेगी। हालांकि उमंग सिंघार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि संबंधों के बारे में दोनों ही परिवारों को जानकारी थी और आने वाले समय में जो उमंग सिंघार हैं वो मैडम भारद्वाज से शादी भी करने वाले थे, उसका इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया। हालांकि जो परिवारजन है वो बहुत ज़्यादा खुल कर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जरूर परिवारों के सदस्य के बयान दर्ज करे हैं। इसके साथ ही जो उस दौरान हाउसकीपिंग स्टाफ घर में मौजूद था उनके भी बयान दर्ज करे हैं और उन्हीं के बयानों पर जो मामला है वो दर्ज किया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद वासु तमाम।